हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं भारतीय गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो हमारी जानकारी होती है, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा क्या हमारे कार्य किए, क्या क्या किए गए थे, क्या उनके द्वारा स्थापना की गई थी। जैसे कि हमारे लॉर्ड, देखिए ये लिखा है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड कार्नवालिस, जिनके द्वारा जो हमारे देखिए जो स्थापना किए गए थे उनके द्वारा क्या कार्य किए गए थे। जैसे हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को भारत की उद्धारक की संख्या दी है। तो आज वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो आई टाइम को नवेश करते हुए स्टार्ट कर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कौन कौन से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन देखिए लिखा है, मैंने लिख लिया है जिससे कि आपको मैं फुल एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए आज की वीडियो हमारी भारतीय गवर्नर जनरल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन लेवल के हैं या आप स्टूडेंट्स हैं। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की सन तथा बंगाल में द्वैत शासन की जो है स्थापना की थी। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो हमारे इलाहाबाद के सैनिक तथा बंगाल में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई थी वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर बात करें, चलिए सेकंड गवर्नर जनरल के हमारे कौन थे, दिखा रहा हूँ मैं आपको, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की देखिए स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने हमारे 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। अब आप पूछेंगे बंगाल गजट तो सन 1780 ईस्वी का प्रकाशन जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था जो सन 1780 ईस्वी का जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा किया गया था। देखिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अगर आपको गवर्नर जनरल जिससे जानकारी चाहिए तो आपके लिए वीडियो हमारी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर बात आ जाए, लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा एवं द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वो हमारे मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हमारा सालबाई की संधि के द्वारा और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हमारा मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे लिखा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की थी। देखिए यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारन हेस्टिंग्स की थी। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में इसी टाइप से बात करने वाले हैं कि जो हमारे सभी गवर्नर जनरल होते हैं उनके द्वारा क्या स्थापना की जाती है, कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था। जैसे लिखा है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा क्या क्या गया था, तो उद्देश्यों को हटाना, जो टैक्स थे उनको, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था वो टैक्स को हटाना था। लॉर्ड लिटन, इसे ओवन मर्डीथ के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारे लॉर्ड लिटन थे इनको ओवन मर्डीथ के नाम से जाना जाता है। लिटन ने देखिए, और एक बात बता दूँ आपको, लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जो देखिए लॉर्ड लिटन जो थे इन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, और जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। चलते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में और जान लेते हैं। तो जो हमारे लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन ने प्रेस पर प्रतिबंध हेतु 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने प्रेस पर प्रतिबंधित हेतु 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हमारे लॉर्ड लिटन ने ही लागू किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया।
लॉर्ड रिपन जो थे वो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अध्ययन लाया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से 21 वर्ष कर दी। इसने जो जो सिविल सेवा में जो मल प्रवेश की तिथि थी उसने कितनी कर दी, उसने यहाँ पे 21 कर दिया है। लॉर्ड रिपन जो थे वो इन्होंने प्रथम कारखाना की स्थापना की थी वो सन 1881 ईस्वी में की थी। और लॉर्ड रिपन ने ही इसने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है वो हमारे 19 से 21 वर्ष कर दी है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय स्वशासन थी वो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है रिपन के कार्यकाल में सन 1882 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अंतरिम क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए जाने वाले विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने तो फ्लोरेंस नाइटिंगल जो बात थे हमारे हम लोग बात कर रहे थे फ्लोरेंस नाइटिंगल पे। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को भारत के उद्धार की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने जो रिपन थे इनको भारत के उद्धार की संज्ञा दी है। ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि किसको किसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो हमारे रिपन थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन सन 1885 ईस्वी में ए ओ होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन के मतलब उस टाइम वो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड डफरिन थे 1885 ईस्वी में ए ओ होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो हमारे लॉर्ड लैंसडाउन थे इनके शासनकाल में भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था। भारत व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसको हम देखिए डूरन रेखा बोलते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो इसका निर्धारण हुआ था वह हमारे लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने ही जो हमारे ऐतिहासिक मरम्मतों जिससे ताजमहल हमारा हो गया इनकी सुरक्षा मरम्मत रिपेयर के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इनके कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था वो हमारे लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में सन 1950 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। तो जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे इनके शासनकाल में हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं इनकी रिपेयर करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और इनके कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। और मैं साथ साथ आपको बता दूं कि सन 1950 में इनके शासनकाल में 1905 में रेलवे बोर्ड का भी गठन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कार्बन के लॉर्ड कर्जन के समय ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। समझ ना बात आपको, कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। देखिए जो हमारे कर्जन थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में देखिए मैंने कितनी जानकारी आपको कुछ समय में दे दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की। चलते हैं और क्वेश्चन पे। लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए आपको मालूम होगा कि जो हमारे लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के प्रतिक्रय के सिद्धांत का जन्मदाता हमारे लॉर्ड कार्नवालिस ही था। चलते नेक्स्ट पर। जिसे लिखा स्थाई भूमि बंदोबस्त की योजना, स्थाई भूमि बंदोबस्त की योजना जिसे जॉन सेल ने बनाई थी। स्थाई भूमि बंदोबस्त की जो योजना थी वो किसने बनाई थी?
स्थायी भूमि बंदोबस्त की जो योजना है जिसे जॉन शेर ने बनाई थी। सर जॉन शेर ने इसने आ हस्तक्षेप नीति अपनाई, जो जॉन शेर थे इसने हमारी आ हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। लॉर्ड विलजली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि इनके बारे में क्या क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड विलजली भारत में सहायक संधि का जनक विलजली को माना जाता है। भारत में जो सहायक संधि हुई थी, क्या बोला हमने फ्रेंड्स, भारत में जो हमारी सहायक संधि का जनक विलजली को माना जाता है। विलजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, विलजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। अमृतसर की भी संधि हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम के देश शासनकाल में इनके समय ही इसके समय चार्टर 1813 पास हुआ और अमृतसर की संधि हुई। बात आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग का क्या हुआ, मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोला की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड जो हेस्टिंग थे हमारे 15 मार्च 1816, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग का क्या हुआ उनके शासनकाल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच जो हमारी संगोला की संधि हुई, संधि के द्वारा हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समार लिखा है लॉर्ड विलियम बैटिंग, क्या होता है हमने फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बैटिंग 1813 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बैटिंग 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग हुआ। आप तो समझ गए होंगे, जो मान लीजिए तुम्हें लॉर्ड विलियम बैटिंग थे वो 1833 ईस्वी के लॉर्ड विलियम बैटिंग जो इनके शासनकाल में थे, क्या हुआ, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का जो हमारा देखिए इस प्रकार भारत का प्रथम, देख गए होंगे आप, है ना, थोड़ा सा पेज बढ़ा इसलिए थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड विलियम बैटिंग हुआ। राजा राम आगे क्या लिखा देखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय की हेल्प से ही बैटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। जो राजा राम मोहन राय की सहायता से ही सहयोग से ही बैटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगर बात करें आगे देखिए, बैटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। जो हमारे देखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, इनको देखिए पहली बार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनके ही सहयोग से राजा राम मोहन राय की हेल्प से लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में ठगी प्रथा को और सती प्रथा को, देखिए सती प्रथा 1823 में समाप्त हुई थी और ठगी प्रथा जो हमारी 1830 में समाप्त हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे गवर्नर जनरल उसके बताए चार्ल्स मेटकाफ, देखिए इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया है, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। जो चार्ल्स मेटकाफ थे इसे समाचार पत्रों पर जो कुछ प्रतिबंध था, बाउंडेशन था, उसको हटाया था। इसलिए इसे किसे चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैं आपको इस वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अगर आप कंप्यूटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक दोस्तों जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो से और तक मैं और बना सकूँगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट, जैसे लिखा लॉर्ड ऑकलैंड 1847 किसके समय कल क्या हुआ, तो जो है लॉर्ड ऑकलैंड थे 1839 ईस्वी में इसने दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, रिपेयर करवाई। जो हमारी लॉर्ड ऑकलैंड थी वो 1839 ईस्वी में इसने दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे गवर्नर कौन थे, जैसे लिखा लॉर्ड हेलन ब्रो, क्या लिखा फ्रेंड्स, लॉर्ड हेलन ब्रो इनके शासनकाल में क्या हुआ, तो आइए जान लेते हैं। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था,
उदय हुआ था इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनब्रो की शासनकाल में, यह 1843 के शासनकाल में इनका हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कुशल अकर्मिता की नीति का संपादन लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। देखिए जो कुशल अकर्मण्यता की नीति का संपादन जो लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। आगे चलते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो आइए लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी जान लेते हैं। सन 1856 ईस्वी में तोपे खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था। जो हमारे लॉर्ड डलहौजी जी थे, देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉर्ड डलहौजी जो थे, सन 1856 ईस्वी में तोपे खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफ़र कर दिया था या स्थानांतरित कर दिया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में उड डिस्पैच को लागू किया। जो शिक्षा संबंधी जो हमारे कुछ खराबियां थी तो उनके जो सुधार किया डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में उड डिस्पैच को हमारे लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। और सबसे मेन बात, जो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही जाना था, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अब ये मान लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, उनको ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। और बात करें अगर सन 1854 ईस्वी में न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के काल में हुआ। तो देखिए डलहौजी ने क्या कार्य, तो देखिए तो आ जान लेते हैं कि डलहौजी ने क्या मेन कार्य। तो देखिए डलहौजी ने मेन शिक्षा संबंधी उसकारों में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए उड डिस्पैच को लागू किया, फर्स्ट पॉइंट ये है। और डलहौजी के बारे में सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि इन्होंने ही भारत में रेलवे का जनक जो है हमारे लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। और तीसरी बात, भारत में जो पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, वो हमारे डलहौजी के काल में हुआ था। इसने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप इसी तरह और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक सो मच।